नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी का प्रदीप आपके बीच में एक एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेके आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र केतु और शुक्र राहु दोनों युति के बारे में। इसके ऊपर मैंने एक टॉपिक बनाया था पर इसमें मैं डिटेल चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, दोनों वेल्थी योगा में इसको मानता हूँ, दोनों वेल्थी योगा में इसको कंसिडर करता हूँ, क्योंकि शुक्र केतु भी अपने आप में वेल्थ देने में बहुत सक्षम होता है और शुक्र राहु भी होता है। अगर आज के कलयुग में देखा जाए तो राहु काल चल रहा है, तो शुक्र राहु की युति सबसे प्रभावी मानी जाती है कलयुग में। आप अगर किसी भी फीमेल या मेल के चार्ट में शुक्र राहु देखेंगे तो आप एक चीज़ उससे ज़रूर कह सकते हैं, अगर फीमेल का चार्ट है, कि आपका रिचेस्ट हस्बैंड मिलेगा, पैसे वाला हस्बैंड मिलेगा, ठीक है, और शादी के बाद प्रॉस्पेरिटी भरेगी उस लड़की की भी और उस परिवार की भी। पर ये एक्सटर्नल इंटरफेयर्स क्यों कर आता है, क्योंकि व्यक्ति की सोच भ्रमित कर देता है शुक्र राहु के साथ बैठ के। शुक्र केतु वाला भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेगा ऐसा नहीं है, बट उसका बहुत कम चांस रहता है जितना शुक्र राहु वाले का प्रभावी रहता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, शुक्र राहु अगर आपके, मैंने बताया इससे पहले, 10th हाउस में हो, 11th हाउस में शुक्र राहु बैठे हो या 2nd हाउस में हो, तो वेल्थ देने में बहुत सक्षम होते हैं। देखिए, शुक्र राहु जब तक अपनी चीज़ों में वैल्यू ऐड कर रहा है, वैल्यूएबल चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करा रहा है, मॉडर्न अप्रोच की तरह चल रहा है चीज़ों को लेके, तो वो व्यक्ति बहुत पैसा कमाएगा, नो डाउट। अगर ये शुक्र केतु की तरह काम करेगा, केतु इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ठीक है, अगर केतु की तरह आप काम करेंगे, लाइक उसमें आप इतनी वैल्यूएबल चीज़ नहीं करा रहे, लाइक मान के चलिए, एक मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, बट इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहूँगा, कि अगर आप एक ट्रेडिशनल अप्रोच में आप किसी को कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसको प्रोडक्ट या तो ऐसा बेच रहे हैं कि रखा रखा है, उसमें कुछ वैल्यू आपने ऐड नहीं करी, उसको थोड़ा भी आपने रिनोवेट नहीं किया अपनी तरीके से। बट अगर शुक्र राहु वाला उसको रिनोवेट कर रहा है अपनी तरीके से, वो महंगा बिकेगा ही बिकेगा और वो वैल्यूएबल हो जाएगा। बट शुक्र केतु बिल्कुल वो रखी हुई चीज़ बेच दी, तो समझ लो शुक्र केतु वाला पैसा कमा लेगा, वो उस हिसाब से कमाना, शुक्र राहु वाले को अलग तरीके से कमाना है। शुक्र केतु की अगर आपकी युति है कुंडली में, तो नो डाउट ये व्यक्ति को, अब देखिए शुक्र केतु केतु के कामों से पैसा दे सकता है, मेडिकल से ऐसा व्यक्ति पैसा कमाएगा, या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से जुड़ के पैसा कमाए, या स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनकी कुंडली में, मैंने शुक्र केतु का ट्राइन देखा है, तो स्पिरिचुअल पाथ पे जो लोग चलकर भी पैसा अर्न करते हैं, ठीक है। शुक्र केतु रिसर्चर भी की कुंडली में भी आपको ये योग मिलेगा, और जो लोग ऑकल्ट यानी जो बड़े बड़े ज्योतिष लोग होते हैं उनके आपको कुंडली में योग देखने को मिल जाएगा, तो उससे लोग पैसा जनरेट करेंगे। शुक्र राहु वाला व्यक्ति अगर मीडिया से जुड़कर ज्योतिष कर रहा है तो उससे पैसा कमाएगा। शुक्र राहु वाला व्यक्ति मीडिया से जुड़ के कोई काम कर रहा है या फिर अपनी चीज़ों को पब्लिश कर रहा है अमेज़ॉन पे, अलग अलग तरीके से ऑनलाइन चीज़ों पे, तो वो पैसा जनरेट करेगा। शुक्र राहु यूट्यूब चैनल चला रहा है, वो भी शुक्र राहु आपको बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के चार्ट में, जो लोग मीडिया पे हैं, जो लोग यूट्यूब पे हैं, जैसे कैरी मिनाटी, उनके आपको चार्ट देखना आप, प्रैक्टिकली शुक्र राहु का कंजक्शन मिलेगा। ये लोग ऑनलाइन मीडिया के थ्रू पैसा जनरेट कर रहे हैं, तो ये दोनों वेल्थ देने में सक्षम है। एक वेल्थ अलग तरीके से देता है, एक अलग तरीके से देता है, बट हाँ, शुक्र केतु वाले पे ऐसा ज़रूर होता है कि व्यक्ति को पैसा एकदम नहीं मिल पाता, शुक्र राहु को बहुत सारा मिलता है। शुक्र केतु को उनकी आप देखना, कई बार पैसे भी आएंगी ना, सैलरी अगर ऐसे व्यक्ति की आती होगी तो कट कट के आती होगी, कई बार कट जाती होगी, पता भी नहीं चलता होगा, क्यों शुक्र केतु वाले की, शुक्र केतु वाला व्यक्ति का पैसा रुक भी जाता है, कट जाता है, क्योंकि केतु उस चीज़ को ब्रेक करता है। पर इसके भी एक कुछ योग है, जैसे अगर ये शुक्र केतु का योग आपके 2nd हाउस में है, तो व्यक्ति को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स देगा, बट पैसा भी देगा व्यक्ति को, नो डाउट। बट शुक्र केतु का योग सबसे ज़्यादा प्रभावी 8th हाउस में मैंने देखा है होते हुए, और शुक्र केतु का योग अगर आपके 12th हाउस में है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी दे सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।